close till I get up. Time is barely on. Good morning everyone. तो ये है हमारा part 2, second day, क्योंकि कल का हम लोग वहीं पर ही ख़त्म करेंगे, end करेंगे. तो आज हमारा part 2 है. तो अभी हमारी तैयारी है फिर से point पे जाने की. तो आपको दिखाता हूँ. बड़ी मुश्किलों के बाद आगे जाना पड़ता है. बस भाई तो क्योंकि उस वक्त खाना वाना खा के हम सब थक चुके थे, इसी वजह से सो गए थे. किसी ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई तो एंड भी नहीं किया. मैं वहीं से एंड वॉचिंग लिख दूंगा डायरेक्टली. तो एक बार ये देख लो सब फोटो. ये हमारे छोटा सा ग्रुप है जो हम कराची से यहाँ आए हुए हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे. सुबह 6 बजे का टाइम है तो हम इंशाल्लाह आगे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी पिक्चर वगैरह ले रहे हैं. उस्ताद क्या प्रोग्राम है आगे का? ठीक है ठीक है. ठीक है चलें आगे बढ़े. आप यकीन माने ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंग मंग पे जा रहे पहाड़ पे ना. जी बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल व्यूज हैं. अब आगे जाते हैं, आपको आगे के व्यूज वगैरह दिखाते हैं. सबको पीछे बैग पहने में शूट की वजह से और सबको अपने अपने लाइफ जैकेट्स भी पहने में, तो वाकई में ऐसा लग रहा है हम जंग पे जा रहे हैं. देखो हमारे मुजाहिदीन आ रहा है. बहुत बड़ा सफर है भाई ये, क्योंकि रास्ता तकरीबन भी आधा घंटे का रास्ता है. तो बस जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाएँ, फिर थोड़ा सा एंजॉय करें. ये वीडियो हमारी शॉर्ट वीडियो होगी, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे. बाकी अगर किसी को लंबी वीडियो देखनी होगी तो वो वहीं से देख सकता है पूरी वीडियोस, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है. हर एक जगह की, हर एक चीज़ की वीडियो उसके अंदर मौजूद है. पार्ट 1 के अंदर ये पार्ट 2 बनेगा हमारा. माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सुबह का नज़ारा क्या खूब होता है. इस वीडियो की वजह से सबसे मैं पीछे हूँ, इसीलिए कहता हूँ भाई आप लोगों को सपोर्ट करो प्लीज़. तो ये हैं पहाड़ी बकरे, आप इनको देख सकते हैं. अगर इनको किसी ने चोरी किया, अगर किसी चोर ने इसको चोरी करने की कोशिश की, तो अगर वो पकड़ा गया, वैसे तो पकड़ा ही जाएगा क्योंकि बलूचिस्तान के हैं ये, और यहाँ पे लोग नजराने भी करते हैं, इनके मतलब देखते भी हैं, निगरानी भी होती है. अगर किसी ने इसको पकड़ लिया तो एक बकरे के तकरीबन उसको देने पड़ेंगे 25 बकरे. एक बकरे के उसको 25 बकरे, वहाँ का एक कानून है, एक बकरे के उसको 25 बकरे देने पड़ेंगे अगर वो पकड़ा गया तो. वैसे तो बहुत मुश्किलें चोरी होती नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि हम भी सोए हुए थे, हमारे मोबाइल वगैरह भी ऐसे पड़े हुए थे। खैर चोरी वगैरह नहीं हुई है, सुकून से हम बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो पे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोग एवरीवन देख सकते हैं कैसे कैसे रास्ते हैं हमारा, हमें बहुत मुश्किलात हो रही है जाने में। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से अपने पैसे खर्च कर कर यहाँ पर आए, तो प्लीज़ सपोर्ट करें जितना आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं हमें, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बाकी आगे बढ़ना हमारा काम है। जितनी आप लोगों की सपोर्ट होगी उतने हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बड़ा मुश्किलात वाला सीन है, ये देखें बड़ा मुश्किलात वाला सीन है कि यहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बस जैसे तैसे करके मैं वीडियो की वजह से पीछे हूँ, सबसे पीछे हूँ, देख लो वीडियो की वजह से सबसे मैं पीछे हूँ, सबसे सारे आगे निकल गए। वाकई में आ रही है, लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ये जगह देखी है, फिल्मों में देखी थी पहले तो पहले तो ये जगह मैं फिल्मों वगैरह में देखता था, तो आज रियल देख रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है इंशाल्लाह। अभी आगे और भी बहुत से प्लान हैं अब्बास भाई और मेरे, तो आगे हम और भी प्लान बहुत से बनाएंगे। तो हमारे सारे ग्रुप के लड़कों से कहें कि थोड़ा खर्चा किया करें जैसे कि उस्ताद हैं, बाकी ये लोग हैं अली भाईवान, शकील और बहुत से हमारे ग्रुप्स के लड़के हैं, आप उनको कमेंट्स करके बोले कि आप तो खर्चा किया करो, जाया करो, तभी हम लोग मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। हमारा पूरा ग्रुप होगा तो मोर भी। आज का कैमरामैन अब्बास भाई नहीं है, आज का कैमरामैन मैं हूँ, तो कैमरामैन की सपोर्टिंग भी मुझे जाती है। Get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो जा जाके थक गए लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा। ऊपर जाऊंगा पहाड़ों के, अबे छोटू लग वो जाएगा भाई, मीठा लगता है, मीठा लगता है, हॉस्पिटल नहीं है मीठा तो खुद मीठा हो जाएगा। पहुंच चुके हैं हम लोग, भाई हमें तो बहुत मज़ा आया, जो बात है फाइनली पहुँच चुके हैं फिर से अपने पॉइंट पे, तो आगे नज़ारा करते हैं। माशाल्लाह मुझे ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी यार, ये जो व्यू है ना, एंड यो, फिर से हम आ गए अपने पॉइंट पे, सब अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर से हम लगाएंगे डुबकियाँ। कल मैं यहाँ स्लिप हो चुका था, मेन पॉइंट पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। तभी मैं वाटरप्रूफ वो लेकर, पैक कवर लेकर
आप लोगों को बताऊंगा। और ये देखो मेरी फिश फिश फिश, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी देखो। आज हम कर रहे हो till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Go. Through the wastelands, through the highways, and on. माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। सुबह के इस वक्त 7:25 हो रहे हैं, तो हम आए हुए हैं यहाँ पे नहाने के लिए। थोड़ा बस यहाँ से नहा के नाश्ता वास्ता बना के खा के इंशाल्लाह कराची के लिए रवाना होंगे। बस थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। कितना पानी खूबसूरत है, ये अंदर एक गुफा है ना, जहाँ तक जा सकते हो, रास्ता ख़त्म नहीं होता, वहाँ तक पानी पानी। एवरीवन आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया वीडियो के लिए, क्योंकि ड्रोन कैमरा नहीं है। ड्रोन कैमरा होता तो ज़रूरत ही नहीं होती। माशाल्लाह तो ये वकास भाई पानी के अंदर जा रहे हैं। वकास भाई अंदर जाना। कुदरत का हसीन नज़ारा, बहुत ही प्यारा व्यूज है ये अंदर। व्यू व्यू अंदर आप देखें, ये हमारी पूरी टीम है। छोटू उस्ताद जो आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, ये मास्टर वकास चोना बिहारी की जानी मानी शख्सियत, तारुफ के मोहताज नहीं। और ये हमारे दोस्त हैं इब्राहिम हैदरी के, कोई कोरंगी के। बहुत ही प्यारा मंजर है माशाल्लाह।
आप तो लाइफ जैकेट पहन के ना रहे हो मजे से, मेरा क्या होगा? No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the high. Baba ji, chal kar. ये बहुत ही गहरा पानी है, बहुत ही गहरा. हमारे पांव नहीं लग रहे. पानी की गहराई बहुत है, मेरा पाँव भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने लाइफ जैकेट पहनी है. सेफ्टी पे नो कम्प्रोमाइज, यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो इसीलिए हम आगे आगे का आपको बताएंगे. वकास भाई थोड़ा आना. भाई मुझे लाइफ जैकेट नहीं पहनी, आ जा. माशाल्लाह ये कुदरत का असीम नज़ारा. इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और ये हमारे दोस्त नहा रहे हैं और ये सब, ये व्यू है बहुत ही प्यारा माशाल्लाह. वकास भाई, वकास भाई चलना भाई, आ जा. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to. बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी है. गुरुदेव तो बहुत सारे लाइफ जैकेट पहनी है इन्होंने. भाई आपने खुद ने कहा था कि मुझे लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं है. आप होशियार बन रहे थे. देखो होशियार. होशियार हमेशा पछता है, ये बड़ों का कहना है. लाइफ जैकेट के बताओ कि नहा रहा हूं ना कब से. हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर छोटू उस्ताद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अभी आपको छलांग लगा के दिखाएंगे. चलो छोटू भाई. शैम्पू कर रहे हैं सर पे. यार क्या मजा है यार. वाकई
वकास का दिल नहीं कर रहा कराची जाने को, पानी से बाहर भी नहीं निकल रहा है। सचिनो बाकी में मेरा दिल नहीं कर रहा। इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर कह रहे बारह बारह वकास भाई नहीं जा रहे। और चिल्ला लो भाई, मेरा तो दिल इतना करता है कि यहीं पर ही रुक जाऊं, पर क्या करूं, यहां पे सहूलियत होती मैं रुक भी जाता। हमारे छोटू उस्ताद अपने यादगार लम्हे यहां लिख रहे हैं अपना नाम, इंशाल्लाह फिर पता नहीं कब आए कब नहीं आए। उस्ताद क्या लिख रहे हो आप? ये सबके नाम यहाँ लिखे हुए, ये नाम लिखे हुए सबके, जो जो आते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, तो हर पत्थर पे नाम लिखा हुआ है। ये आप क्या लिख रहे हैं? डीजे डीजे छोटू। हमारे लियारी की जानी मानी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मास्टर वकास शोना इस वक्त तैयार हो रहे हैं फोटोशूट के लिए। वकास भाई आप रेडी हो? जल्दी जल्दी आना जल्दी। हेलो एवरीवन, तो अभी हमारा चेकआउट है कोसदार के लिए, तो यहाँ से हम निकलेंगे, कोसदार पे हमारी गाड़ी खड़ी है, फिर वहाँ से सीधा कराची। तो ये पैकिंग हो रही है सबकी, तो ये गाड़ियाँ हो चुकी है तैयार, और बाय बाय मुल्ला चिट्टॉक। ये आखिरी बार नज़ारा चेक कर लें। मुल्ला चिट्टॉक पे आना कोई आसान बात नहीं है, ये नदियाँ क्रॉस करके जाना पड़ता है। आप देख लें हम जा रहे हैं इस वक्त, बहुत ही हिम्मत की बात है। मैं इस ड्राइवर को सलाम पेश करता हूँ जो ऐसी सख्त धूप में गाड़ी चला रहे हैं। छोटा सा लूँगा छोटे से, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर आना होगा तो वो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी ने हमें यहाँ से कराची से लेके वहाँ तक ले गया था। हमें बहुत इंजॉय करवाया, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम हमने ये जगह देखी थी। तो एक मिनट छोटू से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए जगह तो बड़े बेहतरीन है लेकिन सफ़र बहुत कठिन है, सफर बहुत लंबा है, वैसे बहुत ज्यादा लंबा और डेंजरस सफर है, डेंजरस है, पहाड़ों के लुक्कड़ से यहाँ से वहाँ से, खैर वैसे भी, लेकिन पैसे को ना देखे जाए तो बहुत ही मजा आया। वैसे छोटू मैं एक बात पूछूंगा, खर्चा कितना आया होगा अंदाजा पर बंदे पर? हम लोग तकरीबन 15 लड़के थे, खर्चा तकरीबन 1,20,000 तक आया, तो हम लोगों ने 1,20,000 खाना हमारे और बहुत सारे बच्चे, खाना बहुत था, फिश थी, झींगे थे, खाने में बहुत मजा आया, बहुत चीजें हमने उन्हें खाई, तो तकरीबन 1,20,000 टोटल लग चुके हैं। ये मैं रहीम भाई से भी पूछूं, रहीम भाई आप कुछ बोलो, आपको कैसे लगा भाई? हमने इस ट्रिप पे बहुत एंजॉय किया, हमारे छोटे साथी ने बहुत एंजॉय किया, करवाया ठीक है, जो हमने जगह नहीं देखी थी वहाँ तक हमें लेकर गए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो सर ये यहाँ पर ये गाड़ी वाले हैं जो अपना कांटेक्ट करवाते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर भी, मैं नंबर नाम भी बता दें, एजेंसी का नाम बताएं अपना। आपकी कंपनी का नाम? मेरा कंपनी का नाम है एडवेंचर क्लब बलूचिस्तान। एडवेंचर क्लब बलूचिस्तान, ठीक, इसके नाम से मेरे जो ना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो नाज़रीन हम अपना ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, हमने बहुत ही इंजॉय किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना मजीद आगे जाएंगे। तो हमें बहुत मज़ा आया, अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम अभी कराची की तरफ रवाना हो रहे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।